नमस्कार, मैं रोशनी, स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो में जिसका नाम है सल्यूशन। आज है महाअष्टमी और आज माँ के आठवें स्वरूप की पूजा होती है, नवरात्र। शक्ति की आराधना का महापर्व है। इन दिनों माँ की पूजा अर्चना का बड़ा ही महत्व होता है, तो आज हम बात करेंगे माँ के नौ रूपों के आध्यात्मिक महत्व की। हमारे शो में एक्सीडिंगली पॉपुलर निर्मला सेवानी जी, जो करेंगी आपकी समस्याओं का समाधान। निर्मला जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्र के आध्यात्मिक महत्व की। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप भी निर्मला जी से जान सकते हैं नवरात्र के आध्यात्मिक महत्व के बारे में। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और करिए हमें कॉल। निर्मला जी, नवरात्र में माँ शक्ति के नौ रूपों की पूजा तो होती है, तो क्या हर रूप का भी आध्यात्मिक महत्व अलग अलग होता है? अगर हाँ तो पहले दिन का माँ शैलापुत्री का आध्यात्मिक महत्व क्या है, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। देखिए कि जब षष्ठी का सृजन हुआ था तो शिव शक्ति ने तांडव किया था और हम असंख्य महाप्राण रीम आदि बीज से व्युत्पन्न हुए। तो जो रीम बीज है वो ऊर्जा का बीज है। तो जब माँ ने षष्ठी को धारण किया तो उन्होंने अपने आप को रूप दिया, शेप दिया, ऊर्जा का एकत्रीकरण जो है वो देवी के रूप में परिवर्तित हुआ, उस प्रकाश को शेप दिया गया। तो जो पहली, और क्योंकि नया दिन नई रात्र है तो नवरात्रों के दिनों में ये सब परिवर्तन हुआ, मतलब शेप का बनना हुआ, एकत्रीकरण प्रकाश का। और फिर उसके महात्म्य में और 700 श्लोकों की हमारी सप्तशती है दुर्गा, तो वो उसी को वर्णित करती है। तो जो पहली शैलपुत्री माँ है उसका मतलब शैलजा, मतलब गिरी पर, पहाड़ पर रहने वाली वो प्रकाश। तो दृढ़ता, धैर्य, विश्वास, चट्टान की तरह अडिग होना, जैनित हाइट, ये जब गुण हमको चाहिए होते हैं तो हम माँ शैलजा रूप में आराधना करते हैं, है ना। उनका एक मंत्र हम बता देते हैं कि किस तरीके से षष्ठी शक्ति से निकल के और अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करके पदार्थ को और वापस शक्ति में निहित होती है ना, प्रकाश में। तो उनका मंत्र है, षष्ठी स्थिति विनाशनी शक्ति भूते सनातनी गुणाशय गुणमय नारायणी नमो स्तुते नमो स्तुते नमो स्तुते। ये स्तुति मंत्र है। जब हम इस मंत्र को पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो समस्त जगत का सृष्टि प्रकाश है, है ना, जो कि सृष्टि में स्थित है, वो विनाश का और सृजन का दोनों का कारण माँ शक्ति है। वो हमारी समस्त गुणों से परिपूर्ण माँ अपने गुणों के कुछ अंश हमको अर्पित करें ताकि हम उनके जैसे बन सकें। निर्मला जी, अभी के लिए हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं, जया जी सूरतगढ़ से, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल निर्मला जी से। जया जी, आप सुन रही हैं? हाँ जी, हेलो। नमस्कार जया। नमस्ते, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? मेरी है 7 नवंबर 1986। ठीक है, सवाल पूछो। एक तो मेरे ना जो हस्बैंड है उनके साथ अनबन रहती है और संतान योग भी नहीं बन रहा है, तो मुझे संतान तो बेटा जब शादी को 13 बरस हो जाएंगे तो बनेगा, और अनबन ठीक हो उसके लिए पीला फल थर्सडे थर्सडे को दान दिया करो ताकि रिलेशनशिप कॉर्डियल हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी माता ब्रह्मचारिणी का भी आध्यात्मिक महत्व हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ब्रह्मचारिणी मतलब जिन्होंने ब्रह्मा के चरणों की स्तुति की, जो कि बुद्धि रूपी हैं। वैसे तो ये आदि रूप जो है ये सारे माँ पार्वती के शक्ति के रूप है ना, क्योंकि शिव शक्ति से सृजन हुआ था। तो ब्रह्मचारिणी का मतलब जो कि बुद्धिदायिनी है, जो कि विवेक देती हैं, जो कि हमारी मेधा को विस्तार देती है, अंतश्चेतना को जागृत करती हैं ना। तो उनका जो मंत्र है माँ ब्रह्मचारिणी का वो है, सर्वस्य रूपेण जनस्य हृदय संस्ते सर्वगा पर्वगा देवी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। जो समस्त जगत की अंतश्चेतना या चेतना है उसकी जागृति की देने वाली माँ ब्रह्मचारिणी हमारी आराधना से प्रसन्न हो और हमको बुद्धि विवेक ज्ञान से आदित्य कर दे ताकि हम यशस्वी बन पाए जीवन में अपने, ये उनके मतलब है।
नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा माँ का दिन होता है, तो उनके क्या आध्यात्मिक महत्व हैं ये हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, चंद्र का मतलब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के सबसे करीब है और उसकी जो किरणें हैं वो हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालती हैं ना। ज्वार भाटा समुद्र में आता है, उसी तरीके से हमारी मनस्थिति बनती है। तो हमारी मनस्थिति को, रूप को कंट्रोल करने के लिए सर्वविध माँ ने चंद्र घंटा का रूप धारण किया था, ध्वनियों का रूप धारण किया था। तो उन मतलब जितनी भी शीतलता, जितने भी सब मंगल कार्य हैं उसको करने वाली माँ चंद्र घंटा होती हैं। तो सब जने जानते हैं माँ गौरी के उस रूप को, उनका मंत्र होता है सर्व मंगल मांगलिये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते, ये उनका तीसरा रूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन कष्टमांडा माता का दिन होता है, उनका आध्यात्मिक महत्व क्या होता है? कष्टमांडा एक राक्षस था जिसका कि माने वैसे तो देखिए पूरे माँ का अवतार ही इसलिए हुआ था कि जीवन में जितनी भी बुराइयाँ, जितनी भी तकलीफें, जितने भी शत्रु हैं उन सब का नाश हो तो और हम विजय पाए, है ना। किस चीज़ पे? बुराई पे अच्छाई की विजय। तो ये जो मंत्र है इसके शाब्दिक अर्थ हैं कि जिस तरह से इस शत्रु नाश का मंत्र है, जिस तरह से तृण और काष्ठ के ढेर को क्षण भर में अग्नि प्रज्वलित होकर नष्ट कर देती है, वैसे ही शक्तिमय माँ जो वो हमारे शत्रु समूह को, चाहे वो हमारे अंदर के शत्रु समूह हो, जैसे कि ईर्ष्या है, द्वेष है ना, अंदर के उन्माद है, हमारे अंदर में जो मन में हमारी व्याधियाँ हैं उनको नष्ट करे, और जो बाहर आसपास हमारे शत्रु हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को मैलिफिक करते हैं उन सबका नाश हो, तृण और काष्ठ के ढेर के समान। तो ये मंत्र है क्षणेन तन महासैन्यम सुराणा तथा अंबिका निन्ये शया वै स्तृणन दारुण महाचयन स्वाहा। निर्मला जी, हमारे साथ में कॉलर जुड़ गए हैं सुलोचना फतेहपुर से, स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। आपको हमारी आवाज आ रही है? जोत्सना, सवाल पूछो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगता है कि फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। पांचवें दिन माता स्कंद माता का जो दिन आता है उनके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उनका क्या आध्यात्मिक महत्व है? देखिए, आध्यात्मिक महत्व उनका तो ममतामय स्वरूप है। वैसे तो कुमार कार्तिकेय ने स्कंद नामक राक्षस का मतलब नाश किया था, लेकिन माँ शत्रुओं को भी अपने गले लगाती हैं क्योंकि ममतामय हैं। तो पृथ्वी का जितना भी ममता रूप है, माँ का रूप है, दया का रूप है, करुणा का रूप है, वो माँ स्कंद माता में दिखता है। तो उनका सारे जगत का भरण पोषण करने वाली, सबको अपनी ममतामय छाया में रखने वाली माँ का मंत्र है देवी प्रसन्नार्ति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मात्र जगत लोकस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य, कि अपनी ममतामय किरणों से, अपनी ममतामय रोशनी से, अपनी करुणामय दया दृष्टि से आप हमको संपन्न करें ताकि हम उस रूप को, स्पेशली स्त्रियों का मंत्र है, आगे आगे संवर्धन कर सकें, उसको हम इस रूप को सहजते हुए समाज में बांट सकें, ये उसके अर्थ है। निर्मला जी, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का दिन होता है, तो उनका क्या आध्यात्मिक महत्व होता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, कात्यायनी माँ तो सृजनकर्तरी हैं, जितना भी विश्व सम्मोहित होता है वो सब उसकी माया से होता है, उसके रूप से होता है। वो माँ गौरी का सबसे बड़ा अधिष्ठातित आदि शक्ति स्वरूप है। तो जितनी भी प्रभाव वृद्धि के नियम हैं, सूर्य का किरणें पृथ्वी पे फेंकना, फूलों का खिल जाना, फिर सूखना, बीज बन के वापस, ये जो साइकिल चलता रहता है पूरी सृष्टि में निरंतर, है ना, मंत्रों का या प्रभाव वृद्धि का या सम्मोहन का, वो सब माँ कात्यायनी देती हैं, आदि देवी हैं। तो उनका जो मंत्र होता है वो मैं पढ़ देती हूँ, वो प्रभाव वृद्धि का नियम के तहत आता है। तो जब भी किसी को अपने बॉस को खुश करना है या किसी से काम निकलवाना है तो उस मंत्र का जाप करेंगे तो खुश रहेंगे। तो
ॐ विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकाधार्यसि विश्वं विश्वेशवन्धा भक्ति भवन्ति विश्वाशाय त्वय भक्ति नमः। ये मंत्र क्या अर्थ है कि माँ हमारी आराधना से हमारी साधना से हमारी भक्ति से आप प्रसन्न हो और अपनी विश्वमोहन सम्मोहन शक्ति को हमें प्रतिस्थापित करिए। जितने भी शक्तिपात के मंत्र होते थे ऋषि मुनि पहले इसको जागृत करते थे और उसके बाद दूसरे करते थे ताकि वो उसको सबलेट कर पाए, तो वो हमें दें ताकि हम भी उस रोशनी को उस प्रकाश को उस चेतनता को सर्वत्र व्याप्त कर सकें और अपने प्रभाव को कायम रख सकें। निर्मला जी, सुलोचना जी हमसे वापस जुड़ गई हैं जी, आप अपना सवाल पूछिए। स्वागत है आपका हमारे शो में। सुलोचना जी अपना सवाल पूछिए। हमें बात सुलोचना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो आ रही है। हेलो हाँ बताइए। सुलोचना बोल रही हूँ। हाँ जी सुलोचना, मेरे बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ सुलोचना। हेलो मैं पाँच की फिर से करती हूँ। चलिए दूसरा कॉलर भी हमसे जुड़ गया है, रेणु हनुमानगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरा सवाल है, मेरी बिटिया की अभी 4 महीने पहले शादी की थी तो हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बन रही है, हम बिटिया को वापस ले आए हैं। मुझे लगता है कि ये आपने ठीक किया है रेणु, उसकी शादी ये कायम नहीं रहेगी है ना, तो क्योंकि वहाँ रहेगी तो दुख पाएगी और नहीं तो उसका मुझे लगता है 2016 आखिर तक या 17 बिगिनिंग तक डिवोर्स हो जाएगा, जो कि उसके हक का है। मतलब ठीक रहेगी ये घटना ऐसा होना और उसकी रीमैरिज हो जाएगी 2018 में, तो ये ठीक किया है तुम उसको घर ले आई हो, क्योंकि ना तो अपने हस्बैंड से ना उसके और सराउंडिंग से जो कि उसके ससुराल में कोई बहुत खुश नहीं रह पाएगी बच्ची, तो आप उसका माइंड मेकअप वैसे ही करिए और उसको पैरों पर खड़ा करिए और दूसरी शादी करिए। चलिए निर्मल जी आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन काल रात्रि का दिन होता है, तो उनका क्या आध्यात्मिक महत्व होता है? देखिए जीवन जो सृष्टि बनी है वो दो ही चीज़ों से बनी है ना, सुबह मतलब दिन रात्रि, सफ़ेद श्वेत काला है ना, रंगों में भी दो ही रंग होते हैं प्रकृति के। तो जो माँ काल रात्रि हैं वो भले रूप में स्वरूप में अपने भयानक हो लेकिन वैसे वो धीर गंभीर चिंतन मनन का प्रतीक है, क्योंकि जो अंधेरा होता है वो सब कुछ अपने में समेट लेता है। तो माँ कालरात्रि हमारी जितनी भी बुराइयाँ या अशुभ या भय या फोबियाज हैं उनको अपने में समेट देती हैं और बदले में अपनी करुणामय दृष्टि से हमको परिपूर्ण करती हैं। तो माँ कालरात्रि का मंत्र होता है जो कि मोक्ष की दायिनी भी हैं, जो कि हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वर्ग की अधिष्ठात्री भी हैं। तो उनका मंत्र होता है, त्वं वैष्णवी शक्तिनरत वीरिया विश्वस्य बीजम परमासी माया समोहित देवी समस्तमेतत् त्वां में प्रसन्ना भूमि मुक्ति हेतु। कि आप समस्त बीज रूप शक्ति की अधिष्ठात्री हैं, आप हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाएं तो हम भी अक्षय शक्तियों का भंडार अपने में संग्रह करके इस लोक पे जितने भी सुख हैं अच्छाइयाँ हैं वो अपने में समेट के और जितने भी क्लटर या दुख हैं तकलीफें हैं उनको निकाल के अंत में आप में लीन हो जाएं और प्रकाश का हिस्सा बन जाएं, मोक्ष प्राप्त करें। ये मोक्ष प्राप्ति का शुद्ध शुभ मंत्र होता है। निर्मला जी हमारे साथ में कॉलर जुड़ गई हैं रिया सूरतगढ़ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। रिया जी अपना सवाल पूछिए। हाँ जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ जी रिया, डेट ऑफ बर्थ बताइए, भाई का और नाम भी। नाम है राजू और 5 अगस्त 1977। ठीक है सवाल पूछिए। इनकी ना मैरिज है जो वो भाभी के साथ अनबन ही रहती है, पता नहीं क्यों। भाभी के साथ अनबन रहती है तो भाभी को तुलसी में दिया करना चाहिए, अगर वो नहीं करती है ऐसा तो अपने भाई से कहिए कि सोमवार को शिव मंदिर में जाके 2 केले चढ़ा के आएँ। वैसे मुझे लगता है उसकी शादी तो कायम रहेगी और धीरे धीरे शायद अंडरस्टैंडिंग भी बन जाए, तो उनको कहिए कि शिव मंदिर में जाके 2 केले और शिव आराधना करें
उससे फिर थोड़ा कॉर्डियल रिश्ता हो सकता है। और भाभी अगर कहना मानती है तो वो जब क्षितिज का वक्त होता है, संध्या काल होता है, उस समय तुलसी में घी का दिया किया करें। चलिए दूसरा कॉलर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, पीके जयपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। जय माता दी। जय माता दी। मेरे को तो अपने भविष्य के बारे में पूछना है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा, बस बड़े अनसेटल्ड है लाइफ। सर ये तो कोई सवाल नहीं हुआ, मजा नहीं आ रहा कोई, हम कोई वो, आप सवालों के रूप में पूछे क्या जानना चाहते हैं। और पूरा भविष्य तो कोई भी नहीं बता सकता, भविष्य के घर में क्या है तो पूर्णतः गणपति जाने, तो आप हमको सवाल के रूप में पूछे क्या जानना चाहते हैं। मैं अपना तो स्थायी घर के लिए जानना चाहता हूँ, मेन सेटल लाइफ नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, वैसी लाइफ चल रही है। तो ये तो हमको लगता है जब तक आप 56 बरस पूरे नहीं कर लेंगे तब तक रहेगी, ये तो आपकी डेस्टिनी है, यही आपका भाग्य है, उसको तो प्यार से वरण करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आठवीं माता महागौरी की बात करते हैं, इनका क्या आध्यात्मिक महत्व होता है। देखिए जैसे रात्रि है वैसे ही सुबह है ना, तो श्वेत वर्ण में जब माँ ने अपने को शेप अप किया तो वो ये इंडिकेट करती हैं, वो ये सूचना देती हैं कि सुख की अधिष्ठात्री, रूप की अधिष्ठात्री, आरोग्य की अधिष्ठात्री, जो इस देह से रिलेटेड गुण हैं जो कि हम भोगते हैं, क्योंकि जो आपका देह बना वो पदार्थों से बना, और जब तक आपका जीवन रहता है आप सौभाग्यदायी होकर के उस पदार्थ का ढंग से वर्ण कर पाएँ। महागौरी का आध्यात्मिक महत्व तो ये है, और दूसरा महागौरी का महत्व ये है कि उन्होंने तप करके, वृषभ पे विराजमान महागौरी हैं, त्रिशूल और डमरू लिए होती हैं, तो वो ये और एक हाथ में कमंडल एक से आशीर्वाद देती हैं, तो जो लड़कियों की शादी या ब्याह नहीं होता है उनके लिए भी माँ गौरी की आराधना का विधान है, क्योंकि वो पदार्थ की दुनिया को देखेंगी ना, ये भी इसके आध्यात्मिक महत्व है। तो मैं दोनों मंत्र बता देती हूँ। पहला मंत्र आपके देह के सुख के लिए, आरोग्य के लिए है, देवी सौभाग्य माँ आरोग्य, देही में परम सुखम, रूपम देही, जय देही, यशो देही, दिशो देही। ये माँ से प्रार्थना की गई है कि वो हमारी देह को आरोग्य और सौभाग्य दे, ताकि हम इस पदार्थ की माया, दुनिया की माया का वरण कर सकें और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। और ऐसे ही जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है वो गौरी आराधना करें, तो उनका मंत्र होता है हेमा गौरी शंकर अर्धांगिनी यथात्वम शंकरा प्रिया तथा मा क्रु कल्याणी कांतम कांतम सुदुर्लभा। जैसे माँ ने आराधना करके, तप करके और शिव का वर्ण किया था दुर्लभ प्रकाश बिंदु का, ऐसे ही एक सुंदर कॉम्पिटेबल पति की वो आपको प्राप्ति कराए, ये इन दोनों मंत्रों के अर्थ थे। अभी के लिए हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गई है करुणा प्रतापगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। जय माता दी। मैं जय माता दी करुणा, मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहती हूँ। जरूर। पहला तो ये कि हमारा मकान कब बनेगा। तुम ट्राई कर रही हो तो मुझे लगता है अगले बरस ही बन जाना चाहिए। थैंक यू मैम। और दूसरा सवाल मैम ये कि हम पति से जब से शादी किए ना अनबन रहती है। अगर करुणा समझना चाहती हो जीवन का रहस्य, तो जितने भी हिंदुस्तान में पति पत्नी हैं वो पूर्णतः कंपेटेबल नहीं है। अगर एकदम कंपेटेबल होते तो भगवान होते ना, तो थोड़ा बहुत अनबन तो सब में ही रहती है। और उसको अगर और अच्छे बनाना चाहती हो तो पीला फल या पीली मिठाई थर्सडे को दान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे शो सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं माँ सिद्धि रात्रि की, उनका क्या आध्यात्मिक महत्व है। निर्मला जी आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए जैसा कि उनके नाम से ही परिलक्षित होता है कि सिद्धिदात्री मन समस्त सिद्धियों की, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली, सिद्धि की देने वाली, तो सिद्धिदात्री मतलब पूर्णता के प्रतीक, पूर्ण में से पूर्ण निकले, पूर्ण बचे, माँ होते, हम अपूर्ण हैं, तो जितनी भी हमारी सिद्धियाँ होंगी वो पूर्णता प्राप्ति में सहायक हों और हमारी मनोकामना भी पूरी हो, उसके ये आध्यात्मिक महत्व है कि हम सारा तप करके प्रकाश में आएं। तो उनका जो एक महत्व होता है कि हम पूर्ण कब होते हैं, जब हम प्रकाश से निकल के उस प्रकाश में जाते हैं ना, तो एक मंत्र तो ये है कि विदेही देवी कल्याणम
विदेही परमाश्रम रूपम देही जय देही यशो देही दिशो देही, मतलब हमारे आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाइए और पीछे जो अंश बचे वो यशस्वी हो, है ना। विदेही माने आत्मा, आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए ये मंत्र होता है। पहला देह के लिए था माँ गौरी का और सिद्धिदात्री का, विदेही के लिए होता है। दूसरा जो मंत्र होता है वो, क्योंकि आप 8 दिन तक आराधना करते हैं तो 9वें दिन आप अपनी कोई कामना लेके संकल्प लेके संकल्प सिद्धि के लिए बैठे होते हैं, तो मंत्र का मतलब भी जो संकल्प लेके बैठे हैं वो पूर्ण हो, है ना। मंत्र का मतलब भी मंत्रो मननात, ऐसा शब्दों का गुच्छा जिसे बार बार रिपीट करें और हमको वो चीज़ दे जो हम संकल्प लेके बैठे, तो वो मंत्र है या दुर्गा देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धम सिद्धि वा स्वप्ने सर्व प्रदर्शनी स्वाहा। ये मंत्र के 2 हिस्से हैं। पहला मंत्र तो हम जो मन में कामना लेके या जो संकल्प लेके या जो लक्ष्य लेके या जो ध्येय लेके आपकी आराधना की है वो पूर्ण हो, और वो कैसे पूर्ण होगा उसकी हमको स्वप्न में संदेश प्राप्ति हो इन्हीं आराधनाओं के दिनों में। तुमने सुना होगा कि कई बारी जब हम माँ की साधना करते हैं, साधक लोग या सरल इंसान लोग आराधना करते हैं तो वो भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि माँ उनको सिंबॉलिक रूप में कई बारी दिखाई देती हैं ना, विजन होता है उनको, तो वो इस मंत्र को करने से वो जल्दी जल्दी होंगे। और स्वप्न में भी जो देखते हैं कि सपना को रिलेट होता है नवरात्रि के दिनों में या आराधना के दिनों में, जो इनसे रिलेटेड सपना आएगा वो सिंबॉलिक होगा आपकी कामना की पूर्ति का, आपकी इच्छा की पूर्ति का। वरदायिनी माँ का ये मंत्र इस रूप में काम आता है। चलिए अभी के लिए हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गई है, उर्मिला दोसा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ जी उर्मिला, सवाल पूछो। नमस्ते, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं रहती है और हम में दोनों में अनबन भी रहती है थोड़ी। तबीयत ठीक नहीं रहती से क्या मतलब? पैनक्रियाज में प्रॉब्लम है उनको, पेट में तकलीफें हैं। हाँ, पेट से परेशानी। हाँ, बहुत ज़्यादा पेट से परेशानी है, तो उनको कहिए कि वो एक पन्ना धारण करें 4.25 रत्ती का, रिंग फिंगर राइट हैंड में, तो उससे वो ठीक रहेगी बीमारी। और जो आपको लगता है कि आप दोनों की वैवाहिक जीवन में परेशानी है, तो उसके लिए माँ गौरी की आराधना करिए, पार्वती जी की आराधना किया करिए, सोमवार के व्रत रख के माँ का पिंक वस्त्रों में ध्यान करेंगी और अपना भी पिंक, तो वो कॉम्पिटेबिलिटी आपकी बनेगी उससे। उर्मिला जी, आप ये ज़रूर अपनाइएगा निर्मला जी का जो बताया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नवरात्र के दिनों में देवी का ध्यान करके साधक अपनी साधना से साथ साथ सिद्धियाँ भी सिद्ध करते हैं। सिद्धि प्राप्ति के लिए नवरात्र कितना महत्वपूर्ण है और क्यों, ये भी आपसे जानना चाहेंगे हम। देखिए, मैंने जैसा कल भी जिक्र किया था कि हमारे नवरात्रि का मतलब नया दिन नया रात, ऋतु परिवर्तन से रिलेटेड है और परिवर्तनशीलता शाश्वत है। तो जो आराधना इस समय में माँ देवी अपने प्रकाश पुंज को रूपों में अवतरित करती हैं और बलि हो जाती हैं, ऊर्जामय हो जाती हैं, तो हम रूपों में प्रार्थना करते हैं। तो 4 जो नवरात्रि होते हैं उसमें से 2 साधकों के लिए होते हैं स्पेशली, वो होते हैं गुप्त नवरात्रि। तो जो माघ शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल पूर्णिमा और आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल पूर्णिमा के नवरात्रे होते हैं वो साधकों के लिए होते हैं। और ये जो ओपन नवरात्र होते हैं वासंतिक और शारदीय, ये तो सब लोगों के लिए होते हैं। आराधना इसलिए बलि होती है क्योंकि ये समय में देव जागृत अवस्था में होने को तैयार होते हैं, है ना, इस वाले स्पेशली इस शारदीय नवरात्रों में। तो नवरात्रा बना ही साधना और आराधना के लिए, इसलिए कहा जाता है कि जो लौकिक काम होते हैं जैसे कि विवाह मुंडन, जो संस्कार के हमारे कर्म होते हैं, वो साधना के दिनों में आराधना के दिनों में नहीं होते, ताकि हम साधना करके अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर सकें और फिर अपना पूर्ण जीवन जिएं उनके बाद के दिनों में, इसके ये अर्थ होते हैं नवरात्रि के। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको हमारे शो से नवरात्र का आध्यात्मिक महत्व समझ आ ही गया होगा। निर्मला जी, जो मंत्र आपको बताए, अगर आप उन्हें एक बार फिर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इस शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।